चीन में छाए बिजली संकट का असर अब फार्मा उद्योग पर दिखने लगा है। वहां से कच्चा माल, जिसे कि सॉल्ट भी कहा जाता है, इसकी सप्लाई में भारी कमी के चलते फार्मा इंडस्ट्री पर संकट के बादल छा गए हैं। आपूर्ति में किल्लत के चलते सॉल्ट के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसका असर दवाओं की कीमतों पर भी पड़ेगा। कारोबारियों का कहना है कि ज्यादा पैसे देकर भी फार्मा उद्योग को कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में दवाइयों के दाम बढ़ने तय ही हैं। अमृतसर में फार्मा की बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर करीब 40 यूनिट चल रही हैं। एडिसन फार्मास्यूटिकल्स के ने बताया है कि कच्चे माल की 90% सप्लाई चीन से होती है, मगर वहाँ पर बिजली संकट के चलते कच्चे माल की सप्लाई नहीं होने के कारण फार्मा उद्योग में करीब 30-40% उत्पादन कम हो गया है। अमृतसर से 100 से ज़्यादा देशों में दवाइयाँ की सप्लाई हो रही है। कच्चा माल के लिए देश का फार्मा उद्योग पूरी तरह चीन पर निर्भर है। अब सप्लाई कम होने के कारण फार्मा उद्योग को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। विदेशी कंपनियों से जो ऑर्डर लिए हुए हैं उन्हें पूरा करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर पुराने रेट पर लिए थे। कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित होने से इस समय फार्मा उद्योग की हालत काफ़ी नाजुक है। केवल अमृतसर ही नहीं, बल्कि हिमाचल के बद्दी शहर की फार्मा इंडस्ट्री भी इस समय कच्चा माल उचित मात्रा में ना मिलने के कारण संकट का सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।